जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं मई जून 21 वेरिएंट 13। वेरिएंट 13 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वेरिएंट 13 क्यों नहीं आ रहा? ओके क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ओलंपिक एथलीट। बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना एथलीट की, आमतौर पर थाउजेंड्स में होती है, तो ये सी इसका आंसर है। हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर। अब एथलीट का मास कितना होगा? एथलीट का मास कर लेते हैं, चलें 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 60 70 kg, 70 kg कर लेते हैं जी, 70 kg है। और स्पीड कितनी होती है? ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड होती है, तो 135 ये आ गया, 3500 joules। तो नियरेस्ट आंसर कौन सा है? सी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम की दो यूनिट होती हैं, केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। तो ये के जी मीटर पर सेकंड के लिए नहीं है, न्यूटन पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड है, और ये भी नहीं है। तो न्यूटन सेकंड बेसिकली मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, मोमेंटम होता है एम वी, इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट 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 के जी मीटर पर सेकंड, एक तो ये होती है ना। अच्छा न्यूटन सेकंड भी यही होती है, अगर आप न्यूटन सेकंड सिंप्लीफाई करें ना, न्यूटन क्या होता है? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेयर होता है ना इंटू सेकंड, ये कैंसिल होकर वही बन जाएगा, देखो ये वही चीज़ आ जाएगी। तो न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स शोन? फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है, तो ये हो जाएगा 20 cos 53, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन। इसका ए आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4, रीडिंग्स है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दो रीडिंग? पहले ये रीडिंग लेते हैं, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 1.5 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग है 1.5 मिलीमीटर। कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है? 10, 11, 12th डिवीजन। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और इसमें ऐड कर देंगे, तो 0.12 ऐड हो जाएगा, तो आपकी क्या बन जाएगी? 1.62 मिलीमीटर मेन ये रीडिंग आ गई। अब ये रीडिंग दे, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? 10, 11, 12, 13। 13 मेन स्केल रीडिंग है, और कौन सा डिवीजन का इसको साइड कर रहा है? 46। 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से ऐड कर देंगे, तो 0.46 आ जाएगा, सॉरी 46 हो जाएगा, तो ये रीडिंग आ गई। तो 13.46 माइनस 1.62, 13.46 13.46 माइनस 1.62 इट गिव्स 11.84। 4 का बी है, 4B। अच्छा भाई, the diameter of the circular disc is measured, aapko diameter given hai, ye diameter given hai, what is the area of the disc and the absolute uncertainty, diameter given hai, area ka formula kya hota hai? pi r square ya pi d by 2 ka whole square, ya area hota hai pi d square over 4, to pi ki value kitni hai? 3.14, d ki value kitni hai? 7 ka square over diameter over 4, तो एरिया आ रहा है हमारा, सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा 49 over 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 4 इट गिव्स 38.456 अभी पूरा लिख रहा हूँ, बाद में करूँगा 465, ये तो एरिया आ गया ना। अच्छा अब इसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? आपको पता है एरिया के फॉर्मूला में क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो पार्शियल ए ओवर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट्स को तो इग्नोर कर देते हैं ना, तो जब भी आपने एरर निकालना होता है वी इग्नोर द कांस्टेंट्स एंड पावर मल्टीप्लाई विद द फ्रैक्शनल एरर, पार्शियल डी ओवर डी कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। तो पार्शियल ए की वैल्यू निकालनी है, ए कितना आया है? 38.465 टू टाइम, व्हाट इज पार्शियल डी? पार्शियल डी है 0.1 एंड व्हाट इज डी? ओवर 7। तो पार्शियल ए कितना आ जाएगा सब कुछ करने के बाद? ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 38.465 डिवाइडेड बाय 7, 1। ये आंसर आ रहा है 1। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर 1s में आ रहा है ना, तो 38 प्लस माइनस 1, तो आंसर शुड बी बी, 5 का बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, velocity time graph है, what is the distance traveled in first 4 seconds? first 4 seconds में distance traveled निकालना है, तो area निकाल लेंगे, half into trapezium बन रहा है, sum of parallel side,
ये साइड 2 है और ये साइड 12 है, 2 प्लस 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये बनेगा ये हाइट जिसको बोलते हैं 4, 2 2s आर 4, 14 प्लस 18 28 मीटर्स, इसका डी आंसर है, 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट एच अबव द ग्राउंड, द बॉल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम टी, द रिपीटेड दिस इज रिपीटेड फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट हाइट, द ग्राफ शोन, एच और टी स्क्वायर का ग्राफ है, द ग्रेडियंट इज कैपिटल जी, इसका ग्रेडियंट कैपिटल जी है, विच एक्सप्रेशन गिव द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब y के नीचे वो क्वांटिटी जो y एक्सिस पे ली हुई है h लिख दें, m क्या होता है, m ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ग्रेडियंट, और x क्या होता है जो क्वांटिटी x एक्सिस पे ली हुई है, प्लस c क्या होता है y इंटरसेप्ट। अब कौन सी ऐसी फिजिक्स की इक्वेशन है इसमें h भी आता है और t स्क्वायर भी आता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन होती है, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया तो ये तो जीरो हो जाएगी, तो क्या रह जाएगी, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर या h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, आगे कुछ नहीं तो आगे जीरो है। अब h की जगह पे h आ रहा है, s आ रहा है, t स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है, तो g की जगह पे क्या आ रहा है, g इज इक्वल टू g बाय 2 या g इज इक्वल टू 2 कैपिटल g, तो 2 टाइम ग्रेडियंट। इसका आंसर क्या होगा जनाब, इसका आंसर होगा c, 7 का c। अच्छा भी एमसीक्यू नंबर 8 प्लीज, टू मैसेज एम एंड एम आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, द मास एम रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट एज शोन, ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, एंगल थीटा है, द टू मैसेज आर इनिशियली हेल्ड स्टेशनरी एंड देन रिलीज्ड, द मास एम एक्सेलरेट्स डाउन द स्लोप, इधर को एक्सेलरेट करता है, जितना इधर को एक्सेलरेट करेगा उतना ही ऊपर को एक्सेलरेट करेगा। अच्छा भाई डाउन द स्लोप, विच एक्सप्रेशन मस्ट बी करेक्ट, डाउन द स्लोप एक्सेलरेट तब करेगा जब इसका वेट का कॉम्पोनेंट, इसका वेट का कॉम्पोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा, जो फोर्स लग रही है, और इधर जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, एम जी, जब इसका कॉम्पोनेंट ऑफ वेट एम जी से बड़ा होगा, मतलब ये नीचे को एक्सेलरेट तब करेगा जब ये वाली फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन वाली फोर्स ज्यादा होगी, मतलब ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होगा ना, और ये जीरो नहीं है, मतलब एम जी साइन थीटा इज बेसिकली ग्रेटर देन एम जी, ग्रेटर की बात करें तो जी जी से काट दे, तो क्या होना चाहिए जी, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, तो आंसर क्या है, सी, 8 का सी है। एमसीक्यू नंबर 9, द वेट एंड मैसेज ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ 4 डिफरेंट प्लैनेट्स आर शोन, वेट एंड मैस, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर शोन, विच प्लैनेट हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल हर जगह पे निकालने आप, लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, यहाँ पे ज्यादा मैस का कम वेट होगा, यहाँ पे निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है ना, तो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम, यहाँ डब्ल्यू ओवर एम करें, डब्ल्यू 40 मिलीमीटर ऑफ 6 ग्राम्स, 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओवर 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 ओवर 3 मतलब 20 ओवर 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 6.67 लोएस्ट ढूंढना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 ओवर 0.5, ये 6 आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 ओवर 1 10 आ रहा है, आखिर में एक्सेलरेशन कितना होगा, 2.6 इंटू 10 पावर 3 ओवर 750, लोएस्ट ढूंढना है आपने, तो कितना हो जाएगा, 2600 डिवाइडेड बाय 750, 3.5 ऑलमोस्ट, इधर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3.5, तो लोएस्ट तो डी में आ रहा है, फिर 9 का डी, 9D,
सबका एक्सलेशन निकालेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी तो निकालते रहेंगे। आगे कहता है, अ रॉक इन अ डीप स्पेस इज ट्रेवलिंग टुवर्ड द डिस्टेंट स्टार एंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी स्टेशनरी स्पेसक्राफ्ट। अ रॉक इन अ डीप स्पेस, ये रॉक है, ये स्पेसशिप है, रेस्ट पर है, चलती आ रही है, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स अ डिस्टेंस स्टार एंड कोलाइड विद अ स्टेशनरी स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज नॉट पॉसिबल आउटकम, व्हिच इज नॉट पॉसिबल आउटकम, द रॉक बिकम्स स्टेशनरी एंड स्पेसक्राफ्ट मूव्स टूवर्ड्स द स्टार। ये रुक जाए और वो उसकी तरफ चले। अगर मैसेज सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो तो ये हो सकता है ना। चले देखते हैं आगे। द मैस मूव्स अवे फ्रॉम द स्टार सो दैट सो डज द स्पेसक्राफ्ट। द रॉक मूव्स अवे फ्रॉम द स्टार, द रॉक मूव्स अवे फ्रॉम द स्टार सो डज द स्पेसक्राफ्ट। नहीं, ये नहीं पॉसिबल। क्या कह रहे हैं, रॉक ट्रेवलिंग टुवर्ड अ डिस्टेंट स्टार, ये स्टार है ना, यहाँ पे स्टार बना दिया, ये स्टार बना दिया। अब जब टक्कर लगेगी, टक्कर के बाद क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि रॉक मूव अवे फ्रॉम द स्टार, ये रिबाउंड हो जाए और स्पेसशिप भी इधर आने लग जाए? आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है। तो 10 का बी पॉसिबल नहीं लग रहा, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। द रॉक मूव्स अवे फ्रॉम द स्टार एंड स्पेस मूव, हाँ ये टक्कर लेके बाउंस हो जाए, ये राइट पे चला जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। और रॉक क्या है, द रॉक मूव्स टुवर्ड द स्टार सो डज द स्पेसक्राफ्ट। द रॉक मूव्स टुवर्ड द स्टार सो डज द स्पेस, दोनों भी उस तरफ जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है, बी नहीं है जी, दोनों अवे नहीं जा सकती क्योंकि उसका राइट डायरेक्शन में मोमेंटम है इनिशियल, राइट डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं था ना। तो जब टोटल बिफोर कोलिजन राइट डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो आफ्टर कोलिजन भी राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये तो दोनों ही लेफ्ट पे आ रहे हैं ना, तो पॉसिबल ही नहीं। एमसीक्यू 11 प्लीज। अ स्टील बॉल इज फॉलिंग एट ए कांस्टेंट टर्मिनल लॉस्ट इन स्टील एयर, स्टील एयर में नीचे गिर रही है स्टील बॉल, वेट लग रहा है उसके ऊपर, क्या लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी और अप थ्रस्ट लग रहा होगा। स्टील बॉल है तो स्टील बॉल की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, तो वेट से सबसे ज्यादा है, फिर एयर रेजिस्टेंस होगी, फिर अप थ्रस्ट होगा। विच ऑर्डर इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, तो मुझे पता है वेट किसके इक्वल है, वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस प्लस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट निग्लिजिबल होता है, तो सबसे पहले अप थ्रस्ट होगा, फिर एयर रेजिस्टेंस होगी, फिर वेट होगा। अप थ्रस्ट ड्रैग फोर्स, ए आंसर, 11 का ए आंसर है। एमसीक्यू नंबर 12, व्हाट इज कपल, a pair of equal forces acting in the same direction, no, a pair of forces equal and opposite but acting along different lines, ye ho sakta hai na, bilkul ho sakta hai, acting along different lines, b answer hai. Question number 3, four coplanar forces act on a rigid rod as shown, the rod is hinged at p, which force produces the greatest moment about p, greatest moment about p, which force is producing greatest moment about p, so iska moment kitna banega, iska perpendicular distance 10 into 1, 10 into 1 10 ban raha hai, iska kitna ban raha hai 6 into 2 sin 30, 6 into, dekho na ye sorry ye 6 nahi hai, 2 ye 1 plus 1 2 aur ye 90 ka angle nahi hai, 2 sin 30, to isko solve karenge 6 hi answer aayega iska, 6 newton meter answer aayega। कितना आ रहा है इसका, पर 1 2 3 3 into 2, द डिस्टेंस 3 आ रहा है, 2 into 3 6 न्यूटन मीटर आ रहा है। अच्छा 4, और ये कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है 4 sin 30, 4 into 2 8 न्यूटन मीटर आ रहा है इसका आंसर। तो सबसे ज्यादा डी, 13 का डी होना चाहिए। क्या पूछ रहा है, नहीं डी नहीं, 8 से ज्यादा, ओहो हमने लार्जेस्ट मोमेंट बताना है, तो लार्जेस्ट तो 10 आ रहा है भाई, 10 सॉरी सॉरी 10 10 10 डी आंसर नहीं है, लार्जेस्ट मोमेंट बताना है बेटा। ये 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है और ये 10 आ रहा है, तो लार्जेस्ट 10 होता रहे यार, क्या हो गया मुझे, ए आंसर इज ए सॉरी। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14, अ बुक ऑफ वेट डब्ल्यू हैज अ रेक्टेंगुलर शेप एंड इज इन यूनिफॉर्म थिकनेस,
द बुक इज हेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट द लॉन्गर साइड ऑफ द बुक इज वर्टिकल एज शोन, नजर आ रहा है. विच एक्सप्रेशन गिव्स द अप्रोक्सीमेट टॉर्क एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बुक. ओके, जब ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो जितना इसका वेट यहां सेट कर रहा है, जितना वेट मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वेट कौन सा टर्निंग इफेक्ट में, एंटी क्लॉकवाइज, उतना ही हैंड मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है. तो रेजिस्टिव टॉर्क और अपोजिंग टॉर्क इक्वल है. तो अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू अपोजिंग टॉर्क, अप्लाइड टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू अपोजिंग टर्निंग इफेक्ट, अप्लाइड टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू अपोजिंग टर्निंग इफेक्ट. अपोजिंग टर्निंग इफेक्ट वेट क्या है, अप्लाइड टर्निंग इफेक्ट क्या, मैंने W इंटू ए बाई टू, W इंटू ए बाई टू, एंटी क्लॉकवाइज है ना. तो हैंड कितना मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा इसके ऑपोजिट, W इंटू ए बाई टू बट क्लॉकवाइज, W इंटू ए बाई टू क्लॉकवाइज. 14 का ए आंसर होना चाहिए. MCQ number 15. The derivation of pressure, this uses a number of relations between this. Which relation is not used? You know, pressure hota na, force over area. Hum force ki jagah mg over a likhte the, m ki jagah likhte the density into volume into g over a. Volume ki jagah pe kya likhte the? Base area into height into g over a. एयर से कट जाता था, तो ये यूज करते थे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, ये यूज नहीं करते थे. प्रेशर यूज करते थे, ये यूज करते थे, ये यूज करते थे. क्या यूज नहीं करते, बी, 15 का बी. एमसीक्यू 16, अ स्प्रिंग इज इनिशियली नीदर कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड. ओके, अ फोर्स कैन बी अप्लाइड टू दिस स्प्रिंग सो दैट ईदर कंप्रेस्ड to a shorter length or extend to a longer length. Okay, ठीक है, force apply कर सकते हैं. What is the change in elastic potential energy in the spring when in extended and when in compressing? दोनों में उसको deform करेंगे ना, force, देखो अगर आप एक spring है, अगर आप इसको pull करते हो right पे, pull करते हो, pull, यहाँ पे fixed end है, fixed end है, जब pull करते हो तो फोर्स भी इधर लगा रहे हो, डिस्टेंस भी इधर कवर कर रहे हो, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी. अच्छा, अगर आप इसको पुश करते हो, यू नो, यूं फोर्स लगाते हो, पुश करते हो, फोर्स भी इधर लगा रहे हो, डिस्टेंस भी इधर कवर कर रहे हो, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी. दोनों केसेस में एनर्जी इंक्रीज करेगी. 16 का डी है. जब भी फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होते हैं, एनर्जी बढ़ती है. MCQ 17. A sample of gas is sealed in a cylinder by a piston. Okay. Cylinder of gas sealed. A sample of gas sealed in a cylinder by a piston. यहाँ पे piston है जनाब. Okay. The frictionless piston is free to move. Piston is free to move. So that the pressure of the gas remains constant. Free to move है, pressure constant रहता है. Okay. The gas initially occupies this much, ये initial volume है, ये V1 है और ये P1 है. The gas now does this much joules, work done पता है. What is the volume of gas after doing work? V2 निकालना है. तो work done किसके इक्वल होता है, pressure multiply by change in volume. Work done 14.4, pressure कितना है, 1.8 into 10 power 5. Change in volume कितना है? V2 minus V1. V1 कितना है? V1 की value है आपके पास. 2.4 into 10 power minus 4. ये. Solve करते हैं इसको. ये जाके divide हो जाएगा. 14.4 over 1.8 into 10 power 5 plus 2.4 into 10 power minus 4 is equal to V2. सॉल्व कर रहे हैं, 14.4 डिवाइडेड बाय 1.8, 8, ये आंसर आ रहा है. कहाँ लिखूं,
कर्सर कहाँ है यार, यार है 8 × 10⁻⁵ +2.4 × 10⁻⁴, ये पॉइंट इसको -4 की पावर में लेके आए ना, तो ये 0.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.8, सॉरी ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁴ +2.4 × 10⁻⁴, 3.2 हो जाएगा ये सी, 17 का सी आंसर। अब कैलकुलेटर पे चेक कर ले, मैं भी कैलकुलेटर नहीं था, मैं यूज नहीं कर रहा है तो सही, यूज नहीं करना चाह रहा। एमसीक्यू नंबर 18, अ कार ऑफ मास 500 किलोग्राम्स इज एट रेस्ट एट स्लोप, ये डायग्राम में नजर आ रहा है, कार का मास भी गिवन है और रुका भी हुआ, इसको ऊपर किया जा सकता है। द ब्रेक पेडल्स आर रिलीज एंड द कार रोल्स डाउन द स्लोप विद द इंजन स्विच ऑफ एट द पॉइंट वाई द कार मूव्ड अ वर्टिकल हाइट ऑफ 30 मीटर और स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन? ओके, तो हमें पता है एनर्जी कन्वर्जन क्या है, लॉस इज इक्वल टू गेन, एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन, लॉस्ट इज इक्वल टू गेन, क्या लॉस हो रही है, MgH, गेन क्या हो रही है, हीट एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इंटरनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो हीट एनर्जी बेसिकली या इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, MgH माइनस हाफ Mv2, तो लॉस इन एनर्जी आ जाएगी। M कितना है 500, G कितना है 9.81 का 10 कर लें, आंसर पे फर्क दूर दूर है, आंसर दूर दूर है, तो जी 10 भी ले सकते हैं। हाइट कितनी है 30, 10 हाफ, मास कितना है 500, स्पीड कितनी है 11 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 जीरोस आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 माइनस ये हो जाएगा 250 × 121। जा रहा है 30,250, तो 150,000 माइनस 150 जा रहा है 11, सॉरी कहाँ लिख गया, ये लिखना है 119750, मतलब ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻ 1, 2, 3, 4, 5, 1.2 × 10⁵ बी आंसर होना चाहिए, 18 का बी, 18 का बी ही है। विच एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट पावर? पावर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन ओवर टाइम भी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, वर्क डन ओवर टाइम भी होता है, वर्क डन टू वेलोसिटी पावर नहीं होता, डी 19 का डी। द स्ट्रेस इन अ मटेरियल इज गिवन बाय द इक्वेशन, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस, द स्ट्रेन इज गिवन बाय दिस, विच एक्सप्रेशन गिव्स द यंग मॉडुलस? तो ये तो आसान है, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया, ये होता है एक्स ओवर एल, तो ये देगा एफ एल ओवर ए, ई होता है ना, यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा, इस तरह भी आ सकता है। अच्छा आंसर स्ट्रेस की फॉर्म में है, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस ये नहीं हो सकता, एफ एल ओवर ये भी आंसर नहीं हो सकता, स्ट्रेस की फॉर्म में देखो जरा, अगर हम स्ट्रेस को एक्सपेंड ना करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक्सपेंड कर लें, एक्स ओवर एल हो जाएगा सिग्मा इंटू एल ओवर एक्स, उल्टा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अगर हम स्ट्रेस को वही रहने दें, स्ट्रेन को इसका एक्सप्रेशन करते हैं, स्ट्रेस को फोर्स ओवर एरिया कर दें और स्ट्रेन को वही रहने दें, तो ये हो सकता है डी, डी आंसर है, 20 का डी है। MCQ 21, what is an example of plastic deformation? A rubber band is momentarily compressed every time it hits the ground. No. A spoon stirring some coffee in a ceramic mug hits the surface and makes
क्लिंग क्लिंकिंग साउंड, ओके, पता नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अ टूल बॉक्स इज लेफ्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक, व्हेन द टूल बॉक्स रिमूव द प्लैंक इज नो लॉन्गर स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं रहा, टेढ़ा हो गया, उठा लिया तो उससे परमानेंट चेंज आ गया, हो सकता है आंसर। अच्छा, द स्प्रिंग इन सम बाथरूम वेइंग मशीन स्केल इज कंप्रेस बाय अ पर्सन स्टैंडिंग, और बाद में वापस भी तो आ जाता है, तो कौन सा है ये, दिए इस पे सैग आ गया, टूल बॉक्स रिमूव किया है तो प्लैंक स्ट्रेट नहीं रहा, उससे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। जी बेटा, एमसीक्यू नंबर 22, अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज सेट अप ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई विद द डिस्टेंस एक्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वेव हैज डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई वन एट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई एट, वट आर द नेक्स्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन दिस डिस्प्लेसमेंट वाई इज अगेन प्लस वाई वन। ये डिस्प्लेसमेंट एक तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और एक यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, मतलब ये एक्स वन है, ये एक्स टू है। अच्छा, ये तो लैम्डा दूर है ना उससे, लैम्डा दूर है, ये तो वन लैम्डा दूर है, पता है आपको, ये दोनों इन फेज होते हैं ना पार्टिकल, तो पहले इसमें लैम्डा ऐड कर दें, लैम्डा बाय एट प्लस लैम्डा, ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा बाय एट प्लस एट लैम्डा बाय एट, एक ही बात है ना, तो देखिए नाइन लैम्डा बाय एट, एक तो नाइन लैम्डा बाय एट, यहाँ पे डिस्टेंस क्या बनेगा, नाइन लैम्डा बाय एट। अच्छा, दूसरा ये डिस्टेंस क्या बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बेटा यहाँ पे लैम्डा बाय एट आगे है ना, तो यहाँ पे लैम्डा बाय एट पीछे होगा, ये जो इधर से डिस्टेंस लैम्डा बाय एट होगा, अब लैम्डा बाय टू में से लैम्डा बाय एट माइनस कर दें, लैम्डा बाय टू, देखो ना डिफरेंट कलर से लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस लैम्डा बाय टू है ना, ये माइनस करना है हमें, तो ये चाहिए ना, ये वी नीड दिस, वी नीड दिस, ये दिस, तो लैम्डा बाय टू में से ये बेसिकली लैम्डा बाय एट ही है, माइनस लैम्डा बाय एट करें, एलसीएम एट आ गया, फोर लैम्डा माइनस लैम्डा, थ्री लैम्डा बाय एट, द आंसर इज बी। द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एयर पार्टिकल एज अ प्रोग्रेसिव साउंड वेव पासिस थ्रू एयर, द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ निकालना है, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना है, कितने टाइम में, ये देखें ये 20 और ये 40, ये टाइम पीरियड आया आपके पास 20 मिली सेकेंड, 20 × 10⁻³ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T, 1/20 × 10⁻³, ऊपर जाके प्लस 3000 बन जाएगा, 1000/20 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, वी कितने हैं 330/50, 0 0 से कट गया, 5 6 are 30, 6.6, लाइक 6.6 मीटर्स, 23 का ए आंसर है। एमसीक्यू 24, अ माइक्रोवेव इज कनेक्टेड टू अ सीआरओ, अ साउंड वेव ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन ऑफ सीआरओ, द टाइम बेस सेटिंग इज दिस मच, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, टाइम बेस सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहां से लेके यहां तक देखिए कितने डब्बों में वेव कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4, और एक बॉक्स किसके इक्वल है, 1 के, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 4 × 1 मिली सेकेंड्स, 4 मिली सेकेंड, 4 × 10⁻³ सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, 1/4 × 10⁻³, माइनस थ्री ऊपर जाके प्लस 3 बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, 4 × 25 आ जाएगा, 250 हर्ट्स, 24 का ए। एमसीक्यू 25, अ ट्रेन विसल्स इज एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, द ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, द ट्रेन मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ट्रैक एंड देन पासिस ओवर द ऑब्जर्वर, द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस मच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर बिफोर द ट्रेन
एंड आफ्टर द ट्रेन पासेस इन, ये ऑब्जर्वर है। जब ट्रेन पास आ रही है और यहाँ पे ट्रेन दूर जा रही है, जब पास आ रही है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, वी, वी होती है, वी डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस होता है ना। तो जब पास आ रही होती है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब दूर जा रही होती है तो वी एस वी और वी प्लस वी एस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले निकालने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 500, स्पीड कितनी है 20, डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड कितनी है 330। ये स्पीड बेटा 20 नहीं है, 330 है, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड होती है। माइनस क्या है, माइनस 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 20। तो क्या आंसर आ रहा है, 500 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइडेड बाय 310 हो जाएगा 532। आते हुए इसको जो ऑब्जर्व हो रही है 532 हर्ट्ज है, और जाते हुए अब इसमें फॉर्मूले में लगाओ 500 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 20। डिवाइडेड बाय 350 हो जाएगा ना। अब आ रही है 471, ये आंसर आ रहा है 471 हर्ट्ज। अब 471 को 532 से माइनस कर दो, ऑलमोस्ट 61 डी आंसर है, 25 का डी। एमसीक्यू 26 प्लीज। अ गैमा रेज माइक्रोवेव विजिबल लाइट एक्सरेज आर फोर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच लिस्ट गिव्स द फोर रीजन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ याद है ना आपको क्या होता था, रेडियो वेव, रीड माई इनर वैल्यूज यूजिंग एक्स रे ग्लासेस। यहाँ पे वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है। ये गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में तो सबसे आखिर में माइक्रो ही आना चाहिए, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, एक्स रे, बस ये भी आंसर है 26 का बी। 27, टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव टू वेव्स मस्ट ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू द सेम स्पेस, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेव मस्ट ऑल्सो बी करेक्ट। दे मस्ट हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट स्पीड, नो, द वेव मस्ट हैव इक्वल स्पीड बट डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, नो, द वेव मस्ट हैव इक्वल स्पीड फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ होना चाहिए, द वेव मस्ट हैव डिफरेंट दिस दिस इक्वल वेवलेंथ डिफरेंट स्पीड नहीं हो सकती। 27 का सी आंसर है। 28, द स्पीड ऑफ साउंड इज 330, विच साइज ऑफ एन आर्किटेक्चरल फीचर इन अ लार्ज कंसर्ट हॉल वुड बेस्ट डिफ्रेक्ट द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच। ओके, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच, पहले तो उसकी वेवलेंथ निकाल लेना। V is equal to F lambda, lambda is equal to V over F, V कितने हैं 330, F कितने हैं 0.44 किलो है ना, तो ये हो जाएगा 440, 3/4, 0.75 meters, 0.75 meters, which architectural feature in a large concert hall will reflect the sound of wave this much? अच्छा, 750 मीटर का मतलब हुआ 750 मिलीमीटर्स। तो इस वेवलेंथ के कंपेरेबल कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 750 मिलीमीटर्स। 28 का बी आंसर है, 28 का बी आंसर है। ठीक है जनाब, आसान था ये तो। एमसीक्यू नंबर 29, अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न यूजिंग रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच हैज अ फ्रिंज सेपरेशन दिस मच। What is the fringe separation will be observed on the same arrangement operated by using the light of wavelength this much.
फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। तो अब ये कंपैरिजन क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं आप, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, ए भी वही है डी भी वही है, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है ना, तो लिख सकते हैं ना एक्स वन ओवर लैम्डा वन इज इक्वल टू एक्स टू ओवर लैम्डा टू। वट इज एक्स वन 3.5, वट इज लैम्डा वन, हाँ जी वट इज लैम्डा वन 7, 10^-7 तो कट ही जाएगा, इज इक्वल टू वट इज एक्स टू फाइंड आउट करना है, वट इज लैम्डा टू 4.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 7x2 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 3.5, तो 7.5 टाइम्स होता है। पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय 4.5, 2.25, 2.3 ऑलमोस्ट, 29 का ए आंसर है। रेशियो प्रोपोर्शन से कर लें हम। 30th, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, द एंगल थीटा इज मेजर्ड फॉर ईच ऑर्डर ऑफ एन, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्लिट डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज डी, द ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, विच ग्राफ कुड बी प्लॉटेड एंड हाउ द वेवलेंथ बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द ग्राफ। ओके, a beam of light of single wavelength incident diffraction grating, the angle of diffraction is theta and measured for each value of n, the distance between the adjacent, mari equation kya hoti hai, d sin theta is equal to n lambda, acha janab ab kya kya vary kiya hai, the angle theta is measured for the order n, ye do variable hain theta aur n variables hain, b bhi constant hai, थीटा और एन वेरिएबल्स हैं, एंगल थीटा इज मेजर्ड फॉर ईच ऑर्डर ऑफ एन, ये दो वेरिएबल है, इनको वाई और एक्स की जगह पे आना चाहिए, थीटा को और इसको वाई और एक्स की जगह पे आना चाहिए। अब क्या होते हैं ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लूँ साइन थीटा को इज इक्वल टू एन ओवर एन लैम्डा ओवर डी, आगे तो जीरो ही है ना, और n तो y एक्सिस पे साइन थीटा लूं, y एक्सिस पे साइन थीटा लूं, x एक्सिस पे क्या लेना है, x एक्सिस पे अब किसी भी x कहा जा सकता है, n शामिल होना चाहिए, x एक्सिस पे क्या ले लूं n ओवर d, तो लैम्डा ग्रेडियंट के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो ना अगर मैं ये y एक्सिस पे ले लूं, x एक्सिस पे n ओवर d ले लूं, मतलब इसको पूरे को x कह दूं, इस पूरे को क्या कह दूं x कह सकता हूं, तो लैम्डा एम के इक्वल हो जाएगा ना, ग्रेडियंट एम के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अगर हम साइन थीटा ले लें वाई एक्सिस पे डी ओवर एन, अच्छा ये तो एन ओवर डी बन रहा है ना, ये तो एन ओवर डी है, डी ओवर एन तो नहीं, ये नहीं हो सकता, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा डी इंटू एन और ग्रेडियंट ये भी नहीं हो सकता, डी इंटू एन तो आ ही नहीं सकता ना, ये भी नहीं हो सकता, अच्छा वाई एक्सिस पे एन, अब एन को सब्जेक्ट बनाओ इस इक्वेशन में, एन को एन एन को सब्जेक्ट बनाए, एन एन किसके इक्वल हो जाएगा डी ओवर लैम्डा साइन थीटा, अगर मैं वाई एक्सिस पे एन ले लूं और एक्स एक्सिस पे डी साइन थीटा ले लूं प्लस जीरो है ना, तो वन ओवर लैम्डा ग्रेडियंट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इसको अच्छे तरीके से लिख के बताऊं, ये देखो देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो बनेगी क्योंकि y x और ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। अब आपकी इक्वेशन ये है d sin theta is equal to n lambda, अब जो आपके वेरिएबल्स है ना थीटा वेरिएबल है और n वेरिएबल है, तो y और x पे जब आपने ग्राफ बनाना है कहाँ गया है, ये है, ये होता है y और ये होता है x, इन पे वेरिएबल्स जरूर होने चाहिए, मतलब थीटा और n जरूर इन्वॉल्व होने चाहिए। अच्छा अगर मैं n n को सब्जेक्ट बनाता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर लैम्डा, वो वेवलेंथ को ग्रेडियंट की फॉर्म में लेके आ रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं वन ओवर लैम्डा डी साइन थीटा प्लस कुछ भी नहीं है तो जीरो,
अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पेन ले लू, ले रहा हूं, ग्रेडियंट 1/λ और x एक्सिस पे d sin थीटा। तो y एक्सिस पेन ले लू, ये d sin थीटा और ग्रेडियंट 1/ग्रेडियंट, देखो ना 1/λ m के इक्वल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/λ ग्रेडियंट के इक्वल हो जाएगा ना, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/ग्रेडियंट, m इज ग्रेडियंट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, b, द आंसर इज b। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी बेटा, MCQ नंबर 31, MCQ नंबर 31 क्या कहते हैं, अ पार्टिकल हैज चार्ज दिस मच, चार्ज गिवन है आपको, एंड इज वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स दिस मच अपवर्ड टू द पार्टिकल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, एक चार्ज है, इतना प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इन वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड लाइन यूं होंगी, एरो कहाँ पे है, ऊपर को होगा कि नीचे को होगा, देखते हैं ये कहाँ के जा रहा है। एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स अपवर्ड्स, अपवर्ड लग रही है, इसका मतलब ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर जा रही है, यूं जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अच्छा जनाब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, है ना, फोर्स पता है आपको, 1.0 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाई चार्ज कहते हैं 2 मिली कूलम, 2 × 10^-3 मिली को कूलम, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10^1 हो जाएगा ना, प्लस 3, 1, 1, 1, 1, 1, तो ऑलमोस्ट 5 हो जाएगा, 5.0 5 वोल्ट पर मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, 5 वोल्ट पर मीटर अपवर्ड डायरेक्शन, 31 का डी होना चाहिए, 31 का डी ही है। एमसीक्यू नंबर 32 प्लीज, द डायग्राम शोज टू पैरेलल मेटल प्लेट्स कनेक्टेड टू अ डीसी पावर सप्लाई थ्रू अ रेजिस्टर, ये रेजिस्टर है, डीसी पावर सप्लाई है, देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स, यूनिफॉर्म फील्ड होगा ऊपर से नीचे होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस होंगी, व्हिच कुड व्हिच चेंज वुड कॉज डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ कब होगी, अ स्मॉल इंक्रीज इन डिस्टेंस, यस, जब डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना वी बाई डी, जब से डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, 32 का ए ही होना चाहिए, तो ये बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एमसीक्यू नंबर 33, अ वायर हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर कैरीज दिस मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतनी वायर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एवरी डिस्प्लेट ऑफ दिस, व्हाट इज द करंट इन वायर। ओके, द वायर हैज 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड कंटेन्स टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इतने, इट इज नॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी लेंथ में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन एवरेज स्पीड ऑफ दिस मच, व्हाट इज द करंट इन द वायर। ओके, वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ए वी ई, है ना, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कंटेन दिस मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ए एरिया होता है, वी वेलोसिटी होता है, ई चार्ज होता है, और आई हमने करंट निकालना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पता है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आते होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम, है ना। अब हमारे पास एन तो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेसिकली किसके इक्वल हैं, एन इंटू वॉल्यूम के इक्वल है, है ना। अच्छा, अब एन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, है ना,
तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये आपके पास ये तमाम चीजें हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके इक्वल है, ठीक है। तो स्मॉल एन किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल एन किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल एन ओवर ए एल, है ना, कैपिटल एन ओवर ए एल, ओके, कैपिटल एन ओवर ए एल के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, हमारे पे क्या क्या गिवन, क्या क्या है हमें, हमें गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, और हमें लेंथ भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। ओके ओके, फिर तो हो गया ना सॉल्व। देखो ना, हमें ये दोनों चीजें गिवन है ना, तो एन ए को सब वैल्यू निकाल लो, हमें एन ए चाहिए ना इस फॉर्मूले में, एन ए की वैल्यू चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूँ, वी नीड द वैल्यू ऑफ एन ए, हमें एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं पता और एरिया भी नहीं पता, तो हम एन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ना मैंने कैसे किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एन ए की वैल्यू चाहिए, इसमें मेरे पास एन ए की वैल्यू नहीं है, तो मैं यहां से एन ए को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, एन इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर लेंथ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर लेंथ, लेंथ आके डिवाइड हो जाएगी ना बेटा, ये जो लेंथ है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो एन ए की वैल्यू हो जाएगी एन ओवर एल, ठीक है। अब फॉर्मूला भी डाल दें, आई इज इक्वल टू एन ए वी, एन ए की जगह पे लगा दें एन ओवर एल, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ओवर एल वी इंटू ई। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.1 × 10^22, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 4 × 10^-6, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10^-19 एलिमेंट्री चार्ज, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 × 10^-2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 जाके इसमें ऐड हो जाएगी, 24 प्लस पावर बन गई, और 24 में से ये 25 माइनस पावर बन गई, तो -1 रह गया, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, पावर -1 है बाकी को सॉल्व कर लेते हैं, 5.1 × 4 × 1.6 ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 12 यार है 2.72 × 10^-1 आ रहा है, 2.72 × 10^-1 मतलब 0.27 एम्पियर, 0.27 एम्पियर क्या है, 33 का सी आंसर होना चाहिए, 33 का सी ही है। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया, एक मिनट जरा देखो सुनिए, ये मुझे भी जरा क्लियर नहीं था, दोबारा करते हैं। देखो आपको लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है आपको, नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन, इट इज नॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, आपको ड्रिफ्ट स्पीड गिवन है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आई निकालना है, आई इज इक्वल टू एन ए वी ई, प्रॉब्लम क्या है, ये तो फाइंड आउट करना है ना, ये है ना ये है, वी और ई है, अब मैंने ये इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो मुझे पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं ए इंटू एल, बेस एरिया इंटू लेंथ, तो बेसिकली एन किसके इक्वल होता है, एन इज इक्वल टू एन ए एल। अब मुझे एन ए की वैल्यू चाहिए, तो एन ए यहां पर है ना, ये एन ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए, एन ए किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एन बाय एल, तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स, यू कैन सी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई तो अपनी जगह पे रहा, इज इक्वल टू इस एन ए की जगह पे मैंने लिख लिया एन ओवर एल, एन ओवर एल वी ई। अब ये भी एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेंथ भी है, ड्रिफ्ट स्पीड भी है, ई भी है, सॉल्व करेंगे तो सी आंसर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 33 प्लीज, 34 सॉरी, अ बैटरी इज मार्क 9 वोल्ट, व्हाट डज इट मीन 9 वोल्ट बैटरी, ईच कूलम चार्ज फ्रॉम अ बैटरी सप्लाईज 9 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द होल सर्किट, बिल्कुल सही है, बैटरी पे 9 वोल्ट उसका ईएमएफ लिखा होता है, तो इसका ए ही आंसर है, ये जो 9 वोल्ट लिखा है बैटरी पे उसका ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है, एनर्जी सप्लाई टू ईच कूलम चार्ज टू मूव इट अराउंड द कंप्लीट सर्किट, और इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज, ऐसा भी होता है। एमसीक्यू नंबर 35 प्लीज, द डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग टू बैटरीज, दो बैटरीज हैं 12 वोल्ट की 8 वोल्ट की, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट इज करंट एन, तो आप वही किरचॉफ लॉ लगा दें, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
सम ऑफ ईएमएफ क्या है, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, 1 प्लस 1.5, 4 ओवर 1.5 इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू 4 ओवर 1.5 क्या बनेगा, टू पॉइंट सेवन एम्पियर। 35 का ए आंसर है। एमसीक्यू में 36 प्लीज। अ सर्किट शोन इंक्लूड अ सेल ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, सेल है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड द एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग्स, इनकी रीडिंग को रिकॉर्ड किया। शी देन कनेक्ट्स अ सेकंड आइडेंटिकल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल टू द फर्स्ट एक्सटर्नल, यहाँ पे एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक और रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। व्हाट हैपेंस टू द एमीटर रीडिंग टू द वोल्टमीटर रीडिंग, बेटा ये कनेक्ट करने से आपकी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई पैरेलल में। जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट विल इंक्रीज, तो यहाँ पे करंट तो बढ़ जाएगा, तो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, इट इंक्रीजेस, एमीटर रीडिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, वोल्ट मीटर रीडिंग को क्या होगा, अब आपको पता है तो इसमें से ज्यादा करंट गुजरेगा ना, इसमें ज्यादा, इसके वोल्टेज मिलती है I into R, तो ये बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगी तो एक्सटर्नल के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर रीडिंग विल डिक्रीज एंड एमीटर रीडिंग विल इंक्रीज, एमीटर रीडिंग इंक्रीजेस, वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीजेस। इसका क्या आंसर होना चाहिए, 36 का सी, 36 का सी ही है, 37। A battery of electromotive force E and negligible internal resistance is connected to a 4 resistor R1, R2, R3 and R4 नजर आ रहा है आपको। The current I1, I2 are shown. Which equation is correct? Which equation is correct? सारी equation में IR दिए हुए हैं। Okay. तो एक equation तो ये बनेगी ना। इस equation को भी E मिल रहा है। इस इक्वेशन कह रहा हूँ, सॉरी, इस ब्रांच को भी, इस ब्रांच को भी ई मिल रहा है। अगर आप ये इक्वेशन बनाना चाहें, ई इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू, एक तो ये इक्वेशन बनती है। अगर आप यहाँ की इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे बनती है ई इज इक्वल टू आई टू आर थ्री प्लस आई टू आर फोर, ऐसे कोई इक्वेशन है। ओके अच्छा, अब जनाब ये तो दोनों इक्वेशंस हैं ही नहीं, और अब क्या करें, अब इस लूप की बात करते हैं, इस लूप की, ये अंदर वाले लूप की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं, इस लूप, यहां से चलते हैं। पहले यूं गए, एज्यूम करंट, इस पे करंट ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है। ओके, यहां भी करंट ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपने ए से चल के दोबारा ए पर आना है, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे तो प्लस से माइनस हो रहा है, क्या लिखूंगा, माइनस आई वन इंटू आर वन, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, आई आर, प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, माइनस लिख दिया, फिर माइनस, ये भी प्लस से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आई वन आर टू, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचे माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई टू आर फोर, फिर यहाँ नीचे से ऊपर पहुंचे माइनस से प्लस, प्लस आई टू आर थ्री। अब यहां से अगर आप माइनस आई वन कॉमन ले लें, यहां से कॉमन ले लें, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से आई वन कॉमन ले लें, माइनस आई वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस आई वन कॉमन लेते हैं तो क्या रह गया, आर वन प्लस आर टू, और यहां से आई टू कॉमन ले लें, I2 किसके इक्वल हो गया, R3 प्लस R4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो I1 R1 प्लस R2 माइनस I2 R3 प्लस R4, इसका बी आंसर आ गया। देखो अगर आप यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, और ये माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू जीरो।
तो इस लूप पे हमने इक्वेशन लगाई है, कौन से वाले की, ये अंदर वाले लूप की, कहाँ पे आप कर्सर कहाँ पर है, कर्सर कहाँ पे लिख रहा है ये, या इस लूप के, इस लूप पे इक्वेशन लगाई है। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 38। इन द सर्किट शोन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 120 ओम्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर 150 ओम एंड रेजिस्टर आर, ओके, इनके पैरेलल कनेक्टेड है। द वोल्ट मीटर रीड जीरो, यहाँ पे जीरो रीडिंग आ रही है। द स्लाइडर इज 1/4 ऑफ द वे ऑफ द लोअर एंड, ये 1/4 है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी 1/4 होगी इस पार्ट की, तो चार पे डिवाइड करें ना, ये 30 ओम्स होगी, इस पार्ट की रेजिस्टेंस 30 ओम्स होगी और इसकी 90 ओम्स होगी। अच्छा आगे कहते हैं, व्हाट इज आर, आर की वैल्यू बतानी है बेटा। जब यहां पे रीडिंग जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी वोल्टेज इधर मिल रही है इसकी, ये V1 है, और जितनी वोल्टेज इधर मिल रही है ये V2 है, जितनी वोल्टेज इधर मिल रही है ये V3 है, और जितनी वोल्टेज इधर मिल रही है ये V4 है। यहाँ पे जीरो का बात है, V1 माइनस V2 इनका डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ पे जीरो तब आएगा जब V1 ओवर V3 इज इक्वल टू V2 ओवर V4, ये सेम होगी, और वोल्टेज रेशियो रेजिस्टेंस रेशियो के इक्वल होती है। V1 की कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितनी है 30, V3 की कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है 90, 30 ओवर 90 इज इक्वल टू इसकी कितनी है 150 ओवर R। बेटे जब यहाँ पे रीडिंग जीरो आ रही है, यहाँ पे रीडिंग जीरो आ रही है, तो इस इधर की वोल्टेज V1 ओवर V3, ये V1 ओवर V3 इज इक्वल टू V2 ओवर V4 होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, R इधर चला जाएगा, ये तो 1 और ये 3 हो गया, और ये R कितना आ जाएगा, 3 इंटू 150, 450 ओम्स, R के लिए आ जाएगी 450 ओम्स का डी आंसर है। ओके, कोई गलती तो नहीं की? 38 का क्या सी? ओके, एक मिनट, कोई गलती तो नहीं की? लेट मी कंफर्म, ये मैं दोबारा चेक कर, तो कॉन्सेप्ट तो यही है बेटा, कॉन्सेप्ट कोई मस्ता नहीं है। लेट मी कंफर्म, चेक इट अगेन, इसको रिमूव करते हैं। ओके, यहाँ पे जब रीडिंग जीरो आएगी तो इसका मतलब, पहले तो ये बात करो, ये इसकी लेंथ कितनी, 1/4 है, 1/4 लेंथ है, ये एल बाय फोर है, टोटल का 1/4 है, तो ये 3/4 होगा, तो रेजिस्टेंस को चार पे डिवाइड करें, 30, इस पार्ट की रेजिस्टेंस 30 ओम्स है और इस पार्ट की रेजिस्टेंस 90 ओम्स है, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, वोल्टेजेस को मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, यहां की वोल्टेज V1, ये V1 है, और चले अब इसको V2 कर लेते हैं, यहां की वोल्टेज V2 है, यहां की वोल्टेज V3 है, और यहां की वोल्टेज V4 है। हम मैंने मैथमेटिक्स की कोई मिस्टेक की है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे रीडिंग जीरो कब आएगी, यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होती है, मतलब यहाँ पे रीडिंग तब जीरो आएगी जब यहाँ की वोल्टेज रेशियो और यहाँ की वोल्टेज रेशियो इक्वल होगी, मतलब V1 ओवर V2 इज इक्वल टू V3 ओवर V4। अब वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रेशियो, ये देखिए 30/90, वही कर रहे हैं, 30/90, नीचे से शुरू किया 30/90, तो इसको भी नीचे लिखेंगे ना, R/150, ये गलती कर रहे थे, R/150 नीचे वाली पहले, देखो ना 30/90 इज इक्वल टू V3 R/90, ये गलती हो रही थी, ये 150 है, तो ये उधर चला जाएगा, R इज इक्वल टू 30/90 1/3 इंटू 150, तो आंसर 50 आ रहा है। सॉरी, मैंने वैल्यूज, कॉन्सेप्ट यही था, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने में मिस्टेक की थी। अच्छा भी, MCQ नंबर 39 प्लीज। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, वन अल्फा पार्टिकल कोलाइड हेड ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, विच स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस इज स्मॉल कंपेयर्ड टू द रिकॉइल स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल, द रिकॉइल स्पीड, which statement could explain why the recoil speed of the gold nucleus, why the recoil speed of the gold nucleus is small
एज कम्पेयर टू द रिकॉल स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल. एन अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट थिन गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल कोलाइड हेड ऑन विद, बनाते हैं ये गोल्ड न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है. यू हेड ऑन टक्कर मारता है पहले, ये बिफोर है, और आफ्टर ये बाउंस बैक करता है यू. और अगर तो ये रुका रहता तो ये इलास्टिक कोलिजन होता है, जितनी स्पीड से जाता उतनी स्पीड से वापस आता. अब ये रुका नहीं रहा, ये इधर मूव कर रहा है. अच्छा आगे कहता है, विच स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन द हाई द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, इसकी स्पीड कम क्यों है, रिकॉइल स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल. मोस्ट अल्फा पार्टिकल आर ओनली डिफ्लेक्टेड एज दे पास थ्रू, इसकी तो कोई बात ना हुई. अच्छा द अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर, ये भी वो तो होती है. द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज मच ग्रेटर देन द मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, यस न्यूक्लियस मास ग्रेटर है तो उसकी स्पीड में चेंज फर्क, ये आंसर हो सकता है. मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस एज इट अप्रोचेस टू द गोल्ड न्यूक्लियस, मोमेंटम डिक्रीज होना ही, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उनके मैसेज में फर्क है, तो सी आंसर. अ हेड्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री क्वार्क्स, द हेड्रॉन हैज अ चार्ज, उसके पास चार्ज है, थ्री क्वार्क है. व्हाट इज अ पॉसिबल क्वार्क कॉम्बिनेशन, डाउन डाउन अप, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये -1/3 -1/3 और ये इज जीरो हो जाएगा. डाउन अप स्ट्रेंज, डाउन -1/3, स्ट्रेंज भी -1/3, अप प्लस 5 ये भी जीरो हो जाएगा. अप स्ट्रेंज स्ट्रेंज ये भी जीरो हो जाएगा. अप प्लस 2/3 -1/3 -1/3 अप अप स्ट्रेंज, इस पे चार्ज आ जाएगा. डी 40 का डी आंसर है. ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स.